हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं जैनेन्द्र पात्र, डायरेक्टर माँ गायत्री कोचिंग इंस्टीट्यूट सरगुजा छत्तीसगढ़। आज यहाँ पर मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जिसका नाम है प्लांट फिजियोलॉजी पादप कार्य की। मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा जो PAT, ICAR या BHU के प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। मैंने अपने अध्ययन में पाया कि पिछले 4 से 5 साल के क्वेश्चन पेपर के आधार पर बायोलॉजी के पार्ट से जो सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज्यादा जो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वह है प्लांट फिजियोलॉजी। सबसे अधिक इसी टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं PAT में क्वेश्चन पेपर के आधार पर, मैंने ये अध्ययन में पाया हुआ। तो चलिए आज मैं आप लोगों को प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में कुछ बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्लांट फिजियोलॉजी होता क्या है। अगर मैं इसके परिचय के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में बात करूं, तो प्लांट फिजियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला है प्लांट और दूसरा है फिजियोलॉजी। पहला है प्लांट और दूसरा फिजियोलॉजी। प्लांट का मतलब आप सभी को पता ही है, प्लांट का मतलब पौधा और फिजियोलॉजी का मतलब कार्यकी। कार्यकी का मतलब, कार्यकी मतलब ऐसा कोई भी कार्य या ऐसा कोई भी प्रोसेस, ऐसा कोई भी क्रिया जो पौधों के अंदर चलती है, उसे हम क्या बोलते हैं, कार्यकी। ठीक है। अब वो कार्यकी कुछ भी हो सकता है, जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, श्वसन की क्रिया, या फिर ट्रांसपीरेशन की क्रिया। ये सारी क्रिया किसके अंतर्गत आती है, कार्यकी के अंतर्गत, फिजियोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। तो स्टेफन हिल्स को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी की अगर मैं परिभाषा आपको बताऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि स्टडी ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ प्लांट इज कॉल्ड प्लांट फिजियोलॉजी। एक सामान्य भाषा में, एक सामान्य शब्दों में हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि पौधों के अंदर होने वाले सारे फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस को हम, इसका अध्ययन करने के विषय को ही हम क्या कहते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब ऐसे वो कौन कौन से प्रोसेस हैं, कौन कौन से वो क्रियाएं हैं जो पौधों के अंदर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के रूप में चलती है, पूर्ण होती है। तो सारी क्रियाएं, जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहां से आप लोगों को PAT में क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पहली क्रिया होती है फोटोसिंथेसिस की क्रिया। फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया होती है जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। दूसरा है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मीन्स श्वसन। श्वसन की क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें ये जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं, इन भोजन से इनका अपघटन करके, इनका ऑक्सीकरण करके उनसे ऊर्जा रिलीज होती है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन की क्रिया कहते हैं। ठीक है। तीसरी चीज होती है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन मतलब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, जिसमें पौधे जो एक्स्ट्रा वाटर रहता है, एक्स्ट्रा जो जल रहता है, उसको अपने प्लांट बॉडी से क्या करते हैं, रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ठीक है। अगला है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहने का मतलब जल का अवशोषण। भूमि से पौधे रूट हेयर्स, रूट के माध्यम से क्या करते हैं, जलों का अवशोषण करते हैं। अगला है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पौधों में जितनी भी क्रिया होती है, जैसे फोटोसिंथेसिस की क्रिया, रेस्पिरेशन की क्रिया, ट्रांसपिरेशन की क्रिया, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, इन सब चीज का रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट की अगर हम बात करें, परिणाम की बात करें, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इन सब का रिजल्ट क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सिर्फ एक चीज हम बोलेंगे कि इन सब का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और लास्ट है क्या है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। जितने भी एक्टिविटीज होते हैं, जितनी भी क्रियाएं होती है, इनको हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस अगर मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूं, तो सबसे पहले मैं क्या बताऊंगा, इन दो शब्दों का मीनिंग। फोटो का मतलब क्या होता है एंड सिंथेसिस का मतलब क्या होता है। ठीक है। फोटो मीन्स, सीधी बात है, फोटो मीन्स होता है लाइट,
एंड सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण। संश्लेषण करना, किसी चीज को एब्जॉर्ब करना, किसी चीज को अपने अंदर एंट्री करने देना, संश्लेषण। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस पौधों में होने वाली वह क्रिया होती है जिसमें पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। अब इसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।